फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे ब्रिज कैसा बनाते हैं। आप लोगों में शॉर्ट शॉर्ट में जो है ब्रिज कैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं आपको लोगों को मैं रिव्यू कराता हूं। देखिए आप देख लीजिए आप लोग ब्रिज कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो देखिए एक्चुअल फर्स्ट हम लोग ग्राउंड लेवल्स का सर्वे करते हैं। जो भी है ये अगर ये ग्राउंड लेवल रहा जीएल ग्राउंड लेवल समझिए आप, ये पूरा डाउन वाटर लेवल होगा इधर वाटर। तो इसके ऊपर हम लोग सर्वे करते हैं विथ थ्रू ये इसके थियोडोलाइट के थ्रू इसका सर्वे होता है और यह डंपी लेवल के साथ भी लेवल्स का सर्वे होता है थियोडोलाइट के साथ डंपी लेवल ये लेवल्स के एंड पॉइंट इसका जो है सो सेटिंग आउट भी जो है इसका करते हैं हम लोग पॉइंट्स का ये पियर्स के पॉइंट्स का और इसका हम लोग इसका फर्स्ट इसका पियर्स कहाँ हम सेटिंग आउट करना है वहाँ पे थ्रू उसके थीटा लाइट के हम लोग सेटिंग आउट करते हैं। उसके बाद जो है उसका एरिया जितना एरिया ब्रिज का होता है उस हिसाब से हम लोग जो है सो उसका एक्सकवेशन करते हैं प्रॉपर मशीनरी के साथ। ठीक है ऐसा एक्सकवेशन होता है ये ग्राउंड लेवल से भी जो है एक 5 मीटर्स उसका 5 मीटर्स जो है डेप्थ एक्सकवेशन करते हैं एक्चुअली एज पर ग्राउंड डिसाइड करते हैं कि कितना डेप्थ एज पर ग्राउंड जो उसका क्वालिटी होता है ग्राउंड का उनके एर्थ का जो है सॉइल का क्वालिटी जो भी होता है सॉइल उसके हिसाब से उसका डेप्थ लेते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स्ट मैं आपको फाउंडेशन का बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये एक्सकवेशन हो चुका है ऐसा एक्सकवेशन हो जाएगा जो भी ग्राउंड लेवल जो है ऐसा था ग्राउंड लेवल उसका जैसा एक्सकवेशन ऐसा हम लोग एक्सकवेशन कर देंगे ऐसा पूरा एक्सकवेशन होगा। फर्स्ट एक्सकवेशन होने के बाद जो है इसको हम लोग जो है पीसीसी वर्क करेंगे यहाँ पे पीसीसी वर्क होगा मतलब कंक्रीट वर्क होगा 1:2:4 की 4 से इसका पीसीसी डालेंगे। पीसीसी जो है इसका ये होने के बाद हम लोग इस पर जो है राफ्ट होगा इस पर और AFT राफ्ट डालेंगे। राफ्ट मीन्स जो नीचे डालते हैं उसको राफ्ट बोलते हैं जो ऊपर डालते हैं उसको स्लैब बोलते हैं तो राफ्ट बोलेंगे इसको राफ्ट डालेंगे। इसका ग्रेड होगा M42 और M50 का ग्रेड से इसका जो है हम लोग इसका राफ्ट डालेंगे। राफ्ट में जो है पूरा जो है हम लोग स्टील बिछाएंगे ये पूरा स्टील वर्क होगा ये पूरा RCC स्टील होगा ये पूरा स्टील मैट होगा स्टील डबल मैट होगा ये एक मैट डबल मैट कहलाएगा डबल होगा मैट ये डबल मैट के ऊपर राफ्ट जो है सो CC होगा इसका CC कंक्रीट कंप्लीट CC वर्क होगा M50 ग्रेड के हिसाब से M50 के हिसाब से। नेक्स्ट जो है इसका ये राफ्ट के बाद जो है हम लोग जो है इसके पियर्स ये जो है अवार्डमेंट बोलेंगे इसको ये पियर्स बोलेंगे इसका वॉल होंगे पियर्स होंगे ऐसे पियर्स जो है हम लोग पियर्स इसको राइज करेंगे पूरा कंक्रीट ये स्टील होगा से जो स्ट्रिप्स होंगे स्ट्रिप्स ये पूरे इसके स्टिरप्स ये पूरा स्टील होगा ये स्टिरप्स होंगे ये पूरा स्टील होगा ये देखिए आप लोग इस तरह जो है इस तरह स्टिरप्स होंगे इस तरह स्टील होगा। तो पहले देखिए आप ये पीसीसी होगा ये ग्राउंड एक्सकवेशन होगा एक्सकवेशन के बाद हम लोग ग्राउंड लेवल करेंगे
ग्राउंड लेवल होने के बाद उसके ऊपर पीसीसी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट 4 के हिसाब से। उसके बाद इसके ऊपर राफ्ट राफ्ट डालेंगे, इसका राफ्ट जो है सो M50 इसका रेशियो होगा। राफ्ट कंक्रीट करेंगे इसको, कंक्रीट होगा इसका। कंक्रीट के बाद जो है फिर स्टील राइस करेंगे, स्टील पियर्स राइस करेंगे, ये स्टेटअप्स होंगे इसके, इसके स्टेटअप्स होंगे। उसके बाद जो है इसके ऊपर पूरा फिर कंक्रीट होगा, सीसी होगा, पूरा सीसी वर्क होगा। M50 का स्टील होगा ये पूरे पियर्स में, M50 का सीसी होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर जो है पेडेस्टल डालेंगे, इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर पेडेस्टल इसको पेडल देंगे, पेडेस्टल हर एक पियर के ऊपर एक एक पेडेस्टल होगा, हर एक पियर पे एक एक पेडेस्टल होगा। इधर देखिए ऐसा पेडेस्टल ऐसा होता है पेडेस्टल। पेडेस्टल में जो है एक गैप होती है, एक गैप इधर नजर आती है आपको, ये जो है पेडेस्टल होने के बाद ये भी जो है M50 का होगा, ग्रेट M50 का कंक्रीट सीसी वर्क होगा कंप्लीट इसमें, ये साइज इसका। अब इसके ऊपर जो है ये पेडेस्टल के ऊपर जो है हम लोग एक बेरिंग देंगे, रबर बेरिंग आता है, वो बहुत स्टैंडर्ड होता है रबर बेरिंग। इधर हम लोग रबर बेरिंग डालते हैं, रखते हैं, ये इसके सेम साइजेस अलग होते हैं रबर बेरिंग के, जो लोड के हिसाब से बेरिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये पूरे बेरिंग्स होते हैं ये पेडेस्टल के अंदर, ये बेरिंग्स होते हैं। अब ये बेरिंग्स जो है लोड को बेर करते हैं, ये बेरिंग्स के ऊपर से जो है हम लोग जो है इसको गटर डालते हैं, ये देखिए बेरिंग हो गई, इसके ऊपर गटर आता है, गटर बोलते हैं इसको। ऐसा आता है, ऐसा इसका गटर होता है, इसका सीसी वर्क होता है। मैंने सीसी वर्क भी जो है इससे पूरा जो है सो M50 का ही इसको हमने डिजाइन किया है, कंप्लीट वर्क सीसी वर्क पूरा जो भी है M50 ग्रेड का होता है। इसके ऊपर अब जो है इसका स्लैब होगा, ये गटर के ऊपर जो है हम लोग इसका कंप्लीट स्लैब डालेंगे, ठीक है। ये होगा, इसमें स्टील होगा, पूरा स्टील वर्क होगा, ये पूरा स्टील वर्क होगा, देखिए आप लोग, ये पूरा स्टील होने के बाद फिर इसके ऊपर कंक्रीट होगा, सीसी वर्क होगा पूरा इसका, समझ में आरसीसी वर्क होगा, पूरा रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट होगा इसका, या 20 ग्रेड से, या 50 ग्रेड से, सॉरी या 50 ग्रेड से। इसके बाद जो है इसके साइड मिक्स हो गए, वाटर ऐसा फ्लो होगा, ये एक एक पियर होगा, ये अपार्टमेंट होगा, यहाँ पर जो है अप्रोच स्लैप होगा, ये भी अप्रोच स्लैप भी जो है थोड़े दूर तक जो है हम लोग 10 मीटर्स तक जो है स्टील का स्लैप डालते हैं इसको जॉइंट के लिए। इधर भी एक अप्रोच स्लैप होगा, अप्रोच स्लैप बोलेंगे इसको, टू साइड होगा। अप्रोच स्लैप के ऊपर आने के बाद गाड़ी जो है इसके ऊपर जाएगी, इधर से वाटर फ्लो, ये अप होगा, ये अप होगा, उधर डाउन चले जाएगा। ये इसका रिव्यू है, मैं नेक्स्ट जो है ये इसके डिटेल्स में जो है फ्लाईओवर ब्रिज लेके आके बताऊंगा आप लोगों को, ये इसका तरीका होता है बनाने का। जस्ट आप लोगों में ऊपर ओवरऑल ऊपर
समझा दिया हमें कैसा होता है, इस पर क्या क्या होता है, इस वजह से हम ये बता दिया हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।